आज हमारा रैंक पुशिंग का 20वां दिन एंड आज मैंने सोचा था कुछ अलग ट्राई करता हूं, क्योंकि हर बार तूफान में कूद के ना कभी कभी क्या होता है कि मैच अच्छा नहीं जाता, उतरते ही बंदा मर जाता है, वहां पर भसड़ बहुत मचती है। तो इस वजह से मैंने सोचा ना आज कहीं अलग जगह पे उतरता हूं। आज तक मैं ऐसी जगह पे नहीं उतरा था, ये जो छोटे छोटे से टेम्पल बने हुए ना यहाँ पर मैं अभी तक नहीं उतरा था। तो जैसे यहाँ पर मैं उतरता हूँ मुझे गन मिलती है, मुझे साउंड आता है, कोई तो मेरे सामने की तरफ है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ बट बंदा मुझे दिखता नहीं है, सिर्फ मुझे साउंड आ रहा था। अब मुझे पीछे की तरफ से भी साउंड आने लग गया था, तो मैं डर रहा था कि दो तरफ से मेरे को कोई मार ना दे। अब मैं पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता तो उधर मुझे मॉन्स्टर दिखता है, अब सामने की तरफ से मुझे साउंड आ रहा था, तभी यहाँ पर बंदा मेरे पे मोली करता है। मैं समझ गया था ये कन्फर्म बंदा है, अगर मॉन्स्टर होता तो भाई वो मोली थोड़ी करता। अब मोली तो मेरे ऊपर आ गई, बंदा भी दिख गया। अब मैं यहाँ पर इसे मारने की कोशिश करता हूँ। अब इसे मैंने काफी डैमेज दिया था, तभी सामने की तरफ इसे कोई मार देता है। अब जिसने इसे मारा उसकी भी लोकेशन का मुझे पता चल गया था, तो मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ। बंदा मुझे दिखता नहीं है, वो गोल गोल घूम रहा था। अब यहाँ पर जैसे मुझे साउंड आता है कि गोल घूम के वो मेरी तरफ ही आ रहा है, तो यहाँ पर देखो फिर कैसे मारते इसे। अब ये जो बंदा था ये अपना सब्सक्राइबर था, तभी इसके पीछे पीछे दो मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें मैं इजीली मार देता हूँ। मारते मारते यहाँ पर बोट भी आएगा, तो बोट को भी हम मारेंगे। अब होता क्या सीन है, जिसे मैंने अभी मारा वो अपना सब्सक्राइबर होता है, मरने के बाद वो दोबारा आएगा यहीं पर मेरे से मिलने के लिए। अभी आप खुद देखना, वो आके खुद ही बताएगा आपको। सबसे पहले मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब यहाँ पर मैं मॉन्स्टर वगैरह से फाइट कर ही रहा था, तभी मुझे साउंड आता है। जैसा कि मैंने बोला एक बोट आता है, बोट ही था ये। इस वाले बोट को मारने के बाद यहाँ पर मॉन्स्टर को मार के निकलते हैं। अब लूट वगैरह करने के बाद सामने की तरफ मुझे बग्गी दिख जाती है, जिस बग्गी को उठाने के लिए मैं जाता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने बूम बाम क्यों बोला था पता है, यहाँ पर मैं मार्क लगाना चाहता था, क्योंकि टेम्पल के अंदर ना बहुत ज्यादा नेड़ पड़े थे। तो मैं सोच रहा था कि भाई जैसे ही मैं इधर से निकलूँ मेरे नेड़ खत्म हो ना दोबारा आके उठाऊंगा, तभी यहाँ पर यूज ही चलती है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अब ये वही बंदा था जिसे मैंने मारा था, अभी सुनना ये क्या बोलता है। हेलो पारस ब्रो, हेलो हेलो भाई मत मारना ब्रो, हेलो हेलो पारस, हेलो बिग फैन भाई आपका, सब्सक्राइबर हूँ ब्रो, रोज देखता हूँ भाई डेली आपका वीडियो। अब मुझे नहीं पता था कि भाई अपना सब्सक्राइबर है, नहीं तो मैं अपने सब्सक्राइबर को जल्दी मारता नहीं हूँ। हाँ रुक जाना, हाँ हाँ रुक जाना ब्रो, वीडियो बना रहा हूँ रुक जाना। तो बंदा बोलता है एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई अभी मार दिया ब्रो, पहले पता रहता तो उछलता ब्रो। कहता है मुझे पहले नहीं पता था आप ही हो, नहीं तो मैं उछलता। हाँ हाँ यहीं पे मारा था भाई, एक बंदे को मैं मारा था, एक बंदे को फिर मुझे मार दिया। तो जैसा कि सुना आपने, इसने मेरे वाले बंदे को मारा था जिसे मैंने डैमेज दिया था, एंड फिर मैंने इसे मार दिया था। अब होता क्या सीन है, इस वाले बंदे से हम आगे जाके दोबारा मिलेंगे। अब आपको पता है मैं अपने सब्सक्राइबर से कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि यार देखो सब्सक्राइबर्स की वजह से ही मैं हूँ। इस वजह से मैं अपने सब्सक्राइबर से, हर सब्सक्राइबर से मिलने की कोशिश करता हूँ। अब इस वाले बंदे को मैं इतना बोल के इधर से निकलता हूँ कि भाई लास्ट में मिलेंगे, मुझे गेम प्ले बनाना है, मुझे जाने दो। तो बंदा बोलता है ठीक है भाई चले जाओ, एंड मैं इधर से निकल जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर से बातचीत कर ही रहा था, तभी मुझे बंदा दिखता है। अब इस वाले बंदे को इजीली मार देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं बंदों की तलाश में काफी देर से घूम रहा था, तभी मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है जिसका मैं पीछा करने लग जाता हूँ। एंड इसका पीछा मैं पिछले 2 मिनट से कर रहा था, ये टेम्पल में जाने के लिए आया था, बट मुझे देख के यू टर्न मार लेता है। एंड इस वाले बंदे को कैसे मारते हैं वो देखना। एंड ये मेरी पुरानी आदत है, मैं जिसको देख लेता हूँ ना उसका पीछा करने लग जाता हूँ। अब ये बंदा पता नहीं यहाँ पर क्यों रुकता है, बट जैसे ये रुका देखो, अब इसने यहाँ पर शॉटगन मारी, मेरी जो गाड़ी है उसका टायर फट गया। मैं उतरता हूँ, एंड यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे नेड़ थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस टेम्पल में बहुत सारे नेड़ थे, तो मैं सारे के सारे नेड़ उठाने की कोशिश कर रहा था बट उठा नहीं पाया। बट जितने मैक्सिमम उठा पाया ना मैं सारे उठा के इधर ले आया, एंड देखना यहाँ पर इसके ऊपर कैसे बारिश करता हूँ नेड़ की मैं। अब यहाँ पर भाई बंदा भी सोच रहा होगा भाई इसके नेड़ क्यों नहीं खत्म हो रहे, पागलों की तरह मोली नेड़ कर रहा है। अब इस वाले बंदे को मैं जैसे ही मार के इसकी गाड़ी उठाने के लिए निकलता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर फट गया था, तभी मुझे एक और बंदा बिल्कुल उसकी पेटी के ऊपर दिखता है। मैं एकदम से घबरा जाता हूँ पहले तो, फिर मुझे पता चलता है कि भाई ये बोट है। एंड भाई बोट इसकी पेटी पे अचानक से कैसे आ गया, अभी अभी तो मैंने इसे मारा, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 सेकंड ही हुए होंगे, 10-20 सेकंड हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब फटाफट से यहाँ पर इसकी पेटी से थोड़ी सी लूट उठाता हूँ एंड बग्गी लेके निकल जाता हूँ।
और सॉरी बग्गी लेके नहीं डासिया लेके निकल जाता हूँ। अब डासिया लेके मैं निकल तो जाता हूँ, उसमें तेल नहीं था, तभी मुझे एक बग्गी दिख जाती है, तो मैं बग्गी उठाता हूँ, तभी मुझे ओपन में बंदा दिखता है। मैं मारने की कोशिश करता हूँ पहले, बट ये बंदा कवर में जाके एकदम से छुप जाता है। एंड मुझे सही नहीं लग रहा था यहाँ पर कि मैं यहाँ पर फाइट करूँ, क्योंकि उस बंदे के पास रिज थी, वो निकल के दूसरी तरफ से भी आ सकता था। इस वजह से यहाँ पर मैंने सोचा बग्गी उठाता हूँ एंड इधर से निकलता हूँ, दूसरे एंगल से उसे मारता हूँ, तभी ये बंदा मेरे पे फायर करता है एंड मुझे मारने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी गलती इसकी यह थी, इसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं दोबारा से आ गया एंड मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये वाला बंदा मुझे आसानी से मार सकता था, क्योंकि इसके पास काफी एडवांटेज थी। अब यहाँ पर मैं नेड पिन करता हूँ, बंदा मेरे पे पुश कर देता है एंड भाई बंदा काफी सही खेल रहा था, बट इसको हमने मार दिया। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर इसकी पेटी लूटते हैं, इधर से निकलते हैं। अब 6 किल अपने हो गए थे, मैं पागलों की तरह और बंदे ढूंढ रहा था, तभी मुझे एक गाड़ी दिखती है ब्रिज से आती हुई। अब इस वाले बंदे को मैंने काफी अच्छा स्प्रे मार के 2 गोलियां हेड पे कनेक्ट की थी जहां तक मुझे लगता है, बाकी ये डैमेज काफी था, इसे हील करना चाहिए था, बट ये मुझे मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर मेरे साथ हुआ क्या, मैं मरते मरते बचा भाई, यहाँ पर मैं उतरा और मेरी स्क्रीन काम करना बंद कर गई, मैं वहीं पर अटक गया और उस बंदे ने थोड़ा सा लेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो इस वाले बंदे ने मुझे मारा, जिसका नाम किंग करके कुछ था। अब यहाँ पर जैसे ही इसने मुझे मारा, मुझे लगा मेरी गेम ओवर, बट यहाँ पर मैं जिंदा हो जाता हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे पास वो कीड़ा था। और भाई यहाँ पर मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि 7 किल अपने थे, एक और चांस मिला था। मैंने सोचा अब उस वाले बंदे को जाके ढूंढते हैं जिसने अपने को मारा। अब उस वाले बंदे ने एक ही गोली मारी मुझे, मैं काफ़ी डैमेज था, अगर मेरे पास हेल्थ होती तो शायद मैं उससे फाइट कर पाता, बट वो बंदा भी काफ़ी सही खेल रहा था। अभी देखना होता क्या, उसको मारने के लिए निकलते हैं, थोड़ी सी लूट कर लेते हैं। अब लूट वगैरह करने के बाद मैं वहीं पर आ जाता हूँ जहाँ पर मैं मरा था एंड तभी बंदा मुझे यहाँ पर स्प्रे करता है, बट बंदे का स्प्रे ठीक ठाक सा था, इतना कुछ खास था नहीं, बट ये बंदा काफी डैमेज देता है मुझे। देखना अभी यहाँ पर मैं आया, ये मेरी गाड़ी फोड़ने पे पूरा पूरा फोकस देता है, यहाँ पर मैं इधर की तरफ आया, अभी देखना ये क्या करेगा। ये मेरी गाड़ी को फोड़ रहा था ताकि मैं निकल ना पाऊं। अब इस वाले बंदे को मारते कैसे हैं वो देखना। अब यहाँ पर मुझे लूट भी चाहिए थी, क्योंकि लूट की कमी थी। अब यहाँ पर मेरी खुद की पेटी पड़ी हुई थी, तो स्मोक वगैरह करके सबसे पहले मैं लूट वगैरह करता हूँ। अब लूट वगैरह करने के बाद मैं उसे मारने की सोचता हूँ, तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिस बंदे को ये काफी डैमेज देता है एंड उसको मार भी देता है। देखना यहाँ पर मुझे लगता है कि बंदा गाड़ी में है, बट अचानक से मुझे उसका धुआं दिखता है एंड भाई साहब ये बंदा काफी बंदों को मार रहा था। देखो अभी इसने किसी को हेडशॉट से मारा, इसके लास्ट में किंग लिखा है जिसने मुझे पहले मारा था एक ही गोली में। अब इस वाले बंदे को हम कैसे मारते हैं वो देखना। सबसे पहले यहाँ पर मैं लूट वगैरह करता हूँ थोड़ी सी और स्मोक वगैरह करके, क्योंकि मैंने अच्छी खासी लूट की नहीं थी। थोड़ी सी लूट वगैरह करने के बाद मैं दोबारा इससे फाइट करने लग गया था। अब यहाँ पर लूट करते हैं एंड सही मौके का वेट करते हैं जब हम इसे मार पाए। अब वो जो बंदा था वहां से निकल चुका था एंड काफी आगे जाके मेरे पे दोबारा दूसरे एंगल से मारने की कोशिश करता था। यहाँ पर मैं स्मोक वगैरह करता हूँ, मेरे पे काफी स्मोक थे, मैं सोचता हूँ कि इधर से निकलते हैं धीरे धीरे, तभी बंदा दोबारा से स्प्रे करता है, एक और टायर फोड़ देता है भाई साहब। अब जैसे इसने टायर फोड़ा, मुझे पीछे से साउंड आता है कि कोई पीछे आ चुका है मेरे। अब ये लकीली अपना सब्सक्राइबर निकलता है, पहले ही अपने को मारने की कोशिश करता है, बट जब इसे पता चलता है कि मैं पारस हूं तो ये मुझे छोड़ देता है और कूदने लग जाता है। अब इस वाले बंदे से फाइट तो मैं कर सकता था, बट मैं दोनों तरफ से पिस जाता। अब होता क्या सीन है, नेड वगैरह फटने लग गए थे, तभी यहां पर पता नहीं क्या होता है, अचानक से बंदा कूदने लग जाता है। मैं कवर में आया एंड पीछे स्मोक था, इस वजह से मैं पीछे से सेफ था थोड़ा सा, बट यहाँ पर कब तक सेफ रहता मुझे पता नहीं था, बट मैं फाइट करना चाहता था सामने वाले से। अब यहाँ पर मैंने एक और स्मोक किया एंड मैं उधर की तरफ देखता हूँ, तभी बंदा मुझे कूदता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर मैं समझ जाता हूँ ये अपना सब्सक्राइबर है, तो मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ। अब इस वाले सब्सक्राइबर से थोड़ी देर मैं बातचीत करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं कवर में था एंड मैं जोन में भी था। होता क्या सीन है वो देखो आप। अब यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ के देखने की कोशिश करता हूँ बंदे को, तभी मुझे बंदा भागता हुआ दिखता है। देखो एंड इजली इस वाले बंदे को मार देते हैं। ये वही था किंग जिसने मुझे मारा था, बदला पूरा हुआ।
एंड अपने 8 किलो हो गए थे, तो मैंने बोला अपने सब्सक्राइबर को चलो बैठो तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी के पास छोड़ देता हूँ एंड मैं खुद भी गाड़ी के पास चला जाता हूँ। अब होता क्या सीन है, यहाँ पर हम गाड़ी लेने आए थे, इसका भी टायर फटा था, तभी मुझे पीछे की साइड एक बग्गी दिखती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करते हैं, जब जोन निकलने वाला होगा तब इधर से निकलेंगे गाड़ी लेके एंड अपने सब्सक्राइबर से भी थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था तभी मुझे साउंड आता है कि कोई तो है यार, बिल्कुल हल्का हल्का साउंड आ रहा था, तो मैं मोली करने की कोशिश करता हूँ एंड जब मुझे लगता है कि भाई मोली से कुछ नहीं बनेगा, नेट से कुछ नहीं बनेगा, तो मैं सीधा बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब अपना जो सब्सक्राइबर है उसे मैं मना कर देता हूँ कि भाई तू मत मारना, बट ये फिर भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। अब होता क्या सीन है वो देखना एंड फिर मैं उसे मना करता हूँ दोबारा से, क्या मना करता हूँ वो सुनना, आप खुद ही सुनना। यहाँ पर मुझे साउंड आया, मैं पुश करता हूँ एंड इजिली इस वाले बंदे को मैंने मार दिया। अब यहाँ पर सुनो, हाँ हाँ भाई चलेगा चलेगा, मैंने इसे बोला भाई तुम मत फायर करो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम फायर मत करो, साथ में रहो बस। कहता है ठीक है भाई ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर मैं स्मोक वगैरह करता हूँ एंड पेटी लूटता हूँ एंड इधर से निकलते हैं जोन में गाड़ी उठा के। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, एक और सब्सक्राइबर अपने को मिलने वाला है। जैसे मैं इधर की तरफ आता हूँ मुझे लगता है कि नीचे की तरफ कोई बंदा है, क्योंकि नीचे गाड़ी खड़ी थी, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तभी यहाँ पर एक बंदा कूदने लग जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अपना सब्सक्राइबर है एंड ये वही सब्सक्राइबर था जो हमें शुरुआत में मिला था, जिसे हमने सबसे पहले मारा था। अब होता है क्या, देखो यहाँ पर मैं पीछे की तरफ आता हूँ, मुझे गाड़ी का हल्का सा साउंड आया था, तभी यहाँ पर देखना अभी बंदा कूदता हुआ दिखेगा आपको। देखो सामने की तरफ आपको बंदा दिखेगा अभी बोरा। अब यहाँ पर टोटल अपने 2 सब्सक्राइबर हो रखे थे, तो मैंने दोनों को बोला भाई तुम अलग अलग निकल जाओ, एक साथ रहेंगे तो भाई बंदे रिपोर्ट करेंगे कि टीम अप करके खेल रहे हैं, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। इस वजह से सबसे पहले इधर से निकलते गाड़ी लेके, अगर किसी को गाड़ी नहीं मिलती है तो उसे गाड़ी तक छोड़ते हैं, फिर आगे का गेम प्ले दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आराम से जोन की तरफ निकल रहा था, मैं नहीं चाहता था किसी से मैं फाइट करूँ, बट जैसे ही मैं इधर से निकलता हूँ मेरे पे फायर होता है, मेरी बग्गी पलट जाती है, मतलब घूम जाती है। अब जैसी बग्गी पलटती है मैं इधर की साइड आता हूँ, उतरता हूँ, मैं एक मोली करता हूँ। सामने 2 बंदे थे, एक लेटा हुआ था, एक गाड़ी के पास था, गाड़ी वाले को अपने सब्सक्राइबर ने मार दिया एंड लेटे वाले को मैंने मार दिया। अब इस वाले सब्सक्राइबर को मैं बोलता हूँ देखो सामने वाले सब्सक्राइबर के पास गाड़ी है, तुम्हें भी गाड़ी मिल गई, अब मुझे जाने दो नहीं तो बंदे रिपोर्ट करेंगे भाई। अब यहां से मैं निकलता हूँ, एक और सब्सक्राइबर अपना था जो कि हमारा ही वेट कर रहा था, उसके साथ क्या होता है देखना। मैं इधर से निकल रहा था बंदों की तलाश में, तभी मुझे यहाँ पर एक गाड़ी दिखती है एंड एक बंदा, इस वाले बंदे को मैं मारता हूँ। इस वाले बंदे को मारने के बाद इधर से मैं निकल जाता हूँ, लूट वगैरह नहीं करता, रीलोड करता हूँ और चलता बनता हूँ, क्योंकि मुझे किल चाहिए थे। अब इधर की साइड में आता हूँ, इधर मुझे एक गाड़ी दिखती है और बंदा साथ ही साथ लेटा हुआ था, मुझे बंदा भी दिख गया था एंड मैं गाड़ी ठोकता हूँ एंड देखो अब इस वाले बंदे को मैं मारता हूँ। सुनो भाई यार मैं तुमको ही मिलने वाला था, और बंदे की आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि भाई मैं तुमको ही मिलने वाला था, अगर भाई मुझे पता होता कि भाई ये सब्सक्राइबर है तो मैं जरूर इसे छोड़ देता। अब अपने 12 किल हो गए थे, अब यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर की वजह से ही मरने वाला हूँ। यहाँ पर मेरी बग्गी पलटी, सामने मुझे बंदा दिख गया था, अगर मैं जाता तो मार देता वो। मैं इधर की साइड आता हूँ कवर में एंड सबसे पहले मैं हील लगाने की सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ वो बंदा पुश ना कर दे, इसलिए मैं पहले मोली कर देता हूँ। जैसे मैं मोली करता हूँ वो भी बंदा मेरे पे मोली करता है। अब यहाँ पर इजिली मैं उस वाले बंदे को मार सकता था, 5 बंदे बचे हुए हैं, ठीक है ध्यान रखना, अभी अपने ही सब्सक्राइबर की वजह से मैं मरूंगा, जिन 2 बंदों को मैं छोड़ के आया हूँ ना वो आपस में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं तो टीम अप करके नहीं खेलना चाहता था, बट सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर आपस में मिल जाते हैं और वो पीछे से मेरे पे स्प्रे करते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं फाइट किससे करूँ, आगे वाले से या पीछे वाले से। मेरे पास नेट तो बहुत थे, यहाँ पर मैंने नेटों की बारिश कर दी दोबारा से, तभी मुझे साउंड आता है कि बंदा घूम के मेरे पे पुश कर रहा है एंड मैं देखने की कोशिश करता हूँ, बंदा मुझे दिखता भी है, तभी मेरे पे फायर होता है। कोशिश करता हूँ तभी मुझे ऊपर वाला मार देता है, और वो जो सामने वाले बंदे थे वो अपने सब्सक्राइबर थे, क्योंकि मैं 4 नंबर पे मरा हूँ, 2 अपने सब्सक्राइबर थे जो कि दोनों के दोनों सामने हैं, जो कि दोनों के दोनों इसी पे स्प्रे कर रहे हैं। अब अपने 1 सब्सक्राइबर को तो ये मार देता है, इसकी काफी एचपी लो होती है, उसके बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि ओवल पे बसड़ मची हुई थी बहुत ज्यादा, कोई बंदा गाने चला के बैठा हुआ था, तो मैंने बोला यार क्या गाने सुनूं, इंग्लिश गाने चला के बैठा हुआ, इससे बढ़िया एग्जिट करता हूँ। अब आज की वीडियो में इतना ही था एंड अपना काफी अच्छा खासा प्लस हुआ इस वाले मैच में भी एस के ऊपर। अब जल्दी कौन कर होने वाला है अपना, कौन कौन किस टायर पे है, मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ये भी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।